नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज ताज ने वो कर दिखाया जो कई लोग सोच रहे थे कि ऐसा ताज कर सकता है कि नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसकी माँ शबनम ने साफ साफ मना किया कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे, लेकिन ताज ने वो करके दिखाया और वो बताया कि वो अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में, जहाँ आप शबनम के से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको बस हमारा चैनल सबसे पहले बताता है। तो आज आपको बहुत बड़ी एक अपडेट मिलने वाली है। 2 मिनट का समय लेने वाला हूँ आप लोगों का और बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है शबनम केस में और ताज ने ऐसा क्या कहा जिस वजह से शबनम को गुस्सा आया और उसने साफ साफ मना किया। दोस्तों, बता दूँ आपको कि कई दिनों से लगातार जो है ताज अपनी माँ शबनम के टच में है और शबनम जो है एक काम करने से बिल्कुल मना कर रही है ताज को कि वो काम वो ना करे, लेकिन ताज जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा। ताज ने एक साफ साफ एक इंसानियत का परिचय देते हुए उसने ये काम किया है, लेकिन उसकी माँ वो बार बार कह रही है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। और इस वजह से जो है वो गांव के लोग जो है वहाँ के जहाँ पे शबनम रहती है, जो कह सकते हैं बावनखेड़ी के अमरोहा गांव में, वहाँ पे जहाँ पे शबनम रहती है वहाँ के लोग जो हैं वो लोग शबनम को देखना तक, यहाँ तक कि सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक बहुत मतलब पुरानी कहावत है कि उस गांव में अब जो लोग हैं वो शबनम नाम किसी बेटी का नहीं रखना चाहते। दोस्तों, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुकी है शबनम। और इसी बीच लोगों का गुस्सा भी है, बहुत सारे लोगों का, कि उसका परिवार का कोई भी इस गांव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मनहूस होते हैं उसकी साया भी पड़ता है तो उस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ऐसा लोगों का मानना है, कहना है। इसी वजह से ताज को उस गांव में नहीं जाने का परमिशन है और इसी वजह से शबनम ने साफ साफ जो है ताज को मना किया था, लेकिन ताज ने वो कर दिखाया और वो जाकर के अपने नाना के कब्र में, यानी शबनम के पिता के कब्र पे जाकर के उसने वो जो कह सकते हैं उसने देखा कि किस तरह से उसके नाना का कब्र है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट बस केवल आपको हमारा चैनल ही बता रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।